हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ में होममेड ईस्ट यानी होममेड खमीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे हम घर पर बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम चीज़ों से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये खमीर जो है हमारे बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, जैसे कि जलेबी, नान, बंस, ब्रेड या फिर पिज़्ज़ा बेस, बहुत सारी चीज़ों में इसे हम काम ले सकते हैं। और इसे हम लगभग 7 दिन तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखें कि 7 दिन के बाद इसे हमें यूज़ नहीं करना है, इसे हम खाली 7 ही दिन तक यूज़ कर सकते हैं। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रीज में स्टोर कीजिए। ये 7 दिन तक खमीर आपका ख़राब नहीं होगा। और इसे जलेबी में यूज़ कीजिए या ब्रेड में यूज़ कीजिए, बंस में यूज़ कीजिए, पिज़्ज़ा बेस में यूज़ कीजिए। बहुत ही टेस्टी और अच्छे बनते हैं। ये मैंने गेहूँ के आटे की ब्रेड बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी इस खमीर से। और मैं आपको आगे वाले वीडियो में इसका लादी पाव और इसका मैं ब्रेड भी आपको बना के बताऊंगी कि इसे किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसे हम किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, जिसे हमने अच्छे से छान के लिया है। 1/4 कप दही रूम टेम्परेचर पर चाहिए, हमें दही फ्रीज का नहीं यूज़ करना है। 1 टेबल स्पून शहद, 2 टीस्पून शुगर और आधा से थोड़ा सा ज़्यादा हमें पानी लेना है। गुनगुना पानी लेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का गुनगुना पानी हमें इसमें यूज़ करना है। इससे क्या होगा, खमीर बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने 1 ग्लास के अंदर चीनी को और शहद को, हम दोनों को इसको मिला लेंगे। शहद जो है वो अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाती है और गंदे बैक्टीरिया जो यानी बुरे बैक्टीरिया होता है उसे ख़त्म कर देती है। इसलिए इसमें हम शहद डालते हैं कि इससे अच्छे बैक्टीरिया पैदा हो और बुरे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए। तो 1 बाउल के अंदर हम मैदा, दही और जो हमने ये पानी तैयार किया है उसे हम अच्छे से मिलाकर बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे जो मैंने आधे से ग्लास ज़्यादा पानी लिया था उसे हमने पूरा यूज़ कर लिया है और आप देख सकते हैं बैटर की थिकनेस कैसी है। एकदम ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं, ठीक ठाक इसे हमें करना है। उसके बाद इसे हम क्लीन फूड रैप से इस तरह से रैप कर लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे कोई ढक्कन से भी ढक सकते हैं। और इस तरह से हम इसमें छेद कर लेंगे 5 से 7, इसे फूड रैप के अंदर ही हमें करना है। और इसे हम 24 घंटे के लिए किसी गर्म प्लेस पर रख देंगे। 24 घंटे के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा खमीर एकदम बनके तैयार हो गया है। और ये खमीर में आप देख सकते हैं एकदम जालीदार दाने भी दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे, देखिए एकदम अच्छा हमारा खमीर बनके तैयार हो गया है। इसे मैंने पूरे 24 घंटे रखा है। अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म है तो हो सकता है कि इसे 18 से 20 घंटे में भी तैयार हो जाए। और अगर थोड़ा मौसम ठंडा है तो इसे 24 से 28 या 30 घंटे भी लग सकते हैं। तो इस खमीर को आप किसी एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रीज में स्टोर कीजिए। और इसे हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 दिन तक ही हमें इसे यूज़ करना है। तो इसके बाद मैं आपको इसका ब्रेड और पाव दोनों भी बनाना बताऊँगी। इससे आप चाहे जलेबी बनाइए, नान बनाइए, बंस बनाइए, ब्रेड बनाइए, कुछ भी बनाइए, आपके बहुत टेस्टी और एकदम जो ईस्ट का काम करता है वही काम करेगा। तो दोस्तों, होप्स हो कि आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल हो। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसकी बहुत ज़रूरत है। अभी जिसके पास ईस्ट नहीं है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसी तरह की एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।